अलवर शहर के जेल के चौराहा पर शराब के नशे में धुत मत्स्य नगर डिपो के बस चालक ने देर रात करीब 10 बजे के समीप एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद इतनी जोर से ब्रेक लगाई जिसकी वजह से बस में सवार एक लड़की की आंख बाल बाल बची। परिचालक राजकुमार ने बताया कि रात 9:30 बजे तिजारा रूट पर दिल्ली जाने वाली आखिरी बस जा रही थी जिसका चालक भजन लाल था जिसने अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था जिसकी सूचना उसने डिपो पर भी दी थी लेकिन दूसरा ड्राइवर नहीं होने की वजह से बस संख्या RJ20PV2350 पर भजन लाल को ही भेजा गया। बस शहर के बीचों बीच मुख्य मार्गों से होकर आ रही थी। बस चालक नशे में था जिसने सबसे पहले जिला अस्पताल पर एक बाइक चालक को बाल बाल बचाया। उसके बाद उसने जेल चौराहे पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जिस पर एक छोटा बच्चा भी बैठा था। वह सड़क पर गिर गया जिसके चोट आई है। उसके बाद चालक ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि बस में सवार कोमल शर्मा जो अलवर में भिवाड़ी जा रही थी उसकी आंख पर लगी। दोनों को अलवर शहर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। इसी बीच चालक भजनलाल मौका देखकर फरार हो गया। परिचालक राजकुमार ने बताया कि भजनलाल आज सुबह से इसी रूट की बस चला रहा था लेकिन वह सुबह से ही शराब के नशे में था। उसने दिल्ली से निकलते समय भी दो कारों को टक्कर मारी थी। उसके बाद भी वह अनियंत्रित तरीके से बस को चला रहा था। हर बार बस के ब्रेक इतनी जोर से लगाता था कि कोई भी सवारी अगर खड़ी हो तो वह गिर जाए लेकिन वह मानने को तैयार तक नहीं था जिसकी शिकायत भी की थी लेकिन डिपो पर कोई दूसरा ड्राइवर नहीं होने के कारण आखिरी चक्कर पर भी इसी को भेजा गया। भिवाड़ी जा रहे भगत सिंह ने बताया कि ड्राइवर अनियंत्रित तरीके से बस को चला रहा था। बस साहब ये अलवर से चली है और दिल्ली के लिए जा रही थी। 9:30 बजे लास्ट गाड़ी थी और चालक ने शराब पी रखी थी। एक दो बाइक यहाँ अपने कौन सा हॉस्पिटल था वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक बाइक वाला वहाँ बचाया। फिर ये जेल का चौराहे पर फिर एक बाइक वाले को मारा इसने बड़ी मुश्किल से। एक छोटा सा बच्चा था तो मैंने यहाँ गाड़ी रुकवा दी। मैंने कहा दूसरा ड्राइवर आएगा तब गाड़ी जाएगी। बच्चे चोट आई छोटा बिल्कुल इतना सा बच्चा था सर। चोट लगी है उसको चोट भी लगी और एक सवारी भीतर बैठी थी जिसने एसोसिएशन ब्रैक लगाई उसके एक लेडीज के बच्चों के एक लेडीज के उसके यहाँ आंख में चोट लगी है। उसको हॉस्पिटल लेके गए उन बेचारों को दिल्ली जाना था। ये दिल्ली में पता पहले भी कोई घटना करके आया क्या? दिल्ली में भी यही घटना हुई थी और इतनी हाई ब्रेक लगा के मुझे भी इसने सारा दिन परेशान कर दिया था। मेरा नाम है बस चालक। हाँ जी बस चालक का नाम क्या? ड्राइवर का नाम? ड्राइवर का नाम भजनलाल। भजनलाल भजनलाल और ये प्राइवेट बस है ये और प्राइवेट का ड्राइवर था। मैं गवर्नमेंट का कंडक्टर हूँ। अच्छा मैंने सीएम को बस प्राइवेट है नहीं रोडवेज तो है लेकिन अनुबंधित तो इसलिए मैंने यहाँ बस रोक दी। अच्छा और मैंने सीएम को फोन कर दिया टीएम साहब को भी फोन कर दिया। वो दूसरी बस आके ड्राइवर आ रहा है जो जब मैं बस को लेकर सवारी को गंतव्य स्थान को पहुंचा। वो थोड़ी मोटी घटना हुई थी फिर मैंने ऐसा कुछ कहा भी है इसको समझाया भी है मैंने कहा क्यों कर रहा है। इसके मालिक को फोन किया था वो फिर आ गए थे यहाँ 7 बजे गाड़ी आ जाती है। मैंने 9 बजे इसकी कुछ हो जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। गाड़ी का नंबर कितना है? 2356। ये जो ड्राइवर है ये लगातार शराब पी के गाड़ी चला था? मेरे पास मेरे साथ पहली बार गया था ये। पहली बार में शराब में धुत है? पहली बार में कर लेता। अब आप दूसरी बार जा रहे हैं? नहीं हाँ दूसरे चक्कर जा रहा था सर। अलवर से बैठ के मैं जा रहा हूँ जी भिवाड़ी। चाहिए बस में क्या घटना होगी? बस में घटना ये हुई है जैसे ही बस स्टैंड से निकली है थोड़ा सा आगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनता है और वहां पे आकर के एकदम से ब्रेक लगी है तो कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल समझ रही हल्ला भी मचाया है और लोगों ने बोला भी है कि भाई भैया अच्छी तरीके से चलाओ अच्छी तरीके से चलाओ। थोड़ी दूर आते ही फिर एकदम से जोर से ब्रेक लगी है जिसमें एक लड़की बैठी थी मेरे पीछे ही उसकी आंख यहाँ से फट गई है। उसको अस्पताल ले गए निजी बस में और एक बच्ची थी वो बड़े छोटा सा बच्चा है वो बड़ी मुश्किल से बचा है। वो तो जो लगा रहता है ना वो जो प्लास्टिक का लगा रहता है उसके जो बच्चा नीचे दर रखा था सुलेडी ने अगर थोड़ा सा ऊपर हो तो उस बच्चे का पूरा सर फट गया। ये घटना हुई है। उसके बाद में लोगों ने बाहर उतार करके हमने उसको उतार लिया ड्राइवर कि भैया फ्रेंड तो कॉल करवाया कंडक्टर साहब ने कॉल कर दिया वहाँ पे कि दूसरा ड्राइवर भेजो ये ठीक नहीं इसने दारू पी रखी। शहर के बीचों बीच में तेज रफ्तार से चला रहा था। हाँ जी इतनी तेज रफ्तार तो नहीं थी इतनी ज्यादा रफ्तार तेज नहीं थी मतलब मीडियम ही थी लेकिन एकदम से जो ब्रेक लगाए हाँ गलत तरीके से चला गलत तरीके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगत सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? मैं भरतपुर कमेर तहसील तमरेड से।